हाउ आगे जैसे तुम्हारा नाम मैं फ्रैंक और स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम खेलेंगे माय गेमिंग क्लब। ये गेम जल्दी रिलीज हो चुकी है और तुम्हें बताऊं तो काफी मजा आया इसको गेम खेलने में। और जो डेवलपर है ना इनके भाई इतने मस्त बंदे ना भाई, इतने मस्त बंदे के भाई तुम्हें क्या ही बताऊं, बहुत मस्त बंदे भाई। चलो आज खेलते हैं गेमिंग वाली गेम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना नाम फ्लैंको, रुको भाई, फ्लैंको गेमिंग हब। तो आज काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये गेम थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी के मुकाबले। तो चलो अंदर आ चुके हैं, हमारी गेम हो चुकी है स्टार्ट। और ये देख भाई, ये कौन सी जगह आ गया मैं, ये कौन सा कबाड़ खाना लग रहा भाई, सही में कबाड़ी वाला रहा है, स्क्रैप वाला। तो यहाँ पे और रुक जाओ भाई, मेरे भाई पैसे पोसे नहीं है भाई, मेरे को मारने आए थे क्या ये, अरे नहीं भाई, ये तो यहाँ हमारे पास कंप्यूटर चलाने आए थे, मुझे लगा मारने आए ये। यार इसका लुक देख के मुझे ऐसा लगा ना कि मेरे को मारने आए भाई। तो चलो यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ पड़ा है वैसे तो, वहाँ हमें सेटअप बनाना है हमारा। और ये वेंडिंग मशीन क्या कर रही है यहाँ पर, तो चलो इसे ये खड़ा कर देते हैं भाई, ये पड़ी भी अच्छी नहीं लग रही है। तो इसमें सामान भी रखना होगा हमें, और वो शायद से हम आगे जाके रख सकते हैं। अभी का तो मुझे नहीं पता कि भाई हम रखें ना रखें, क्योंकि सामान तो है नहीं हमारे पास में, पैसे पता नहीं कितने हमारे पास। तो ये जगह भी काफ़ी अच्छी हालत में है, मुझे इसे साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी, अच्छे से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेबल है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये जो टेबल है इसे मैं कोने में लगा देता हूँ, तो ये रहा, ठीक है। तो इसे करो भाई, ये बाद में रिमेम्बर करते रहेंगे, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा, ये हमारा है डेस्कटॉप के लिए, हमें बनाना पड़ेगा इसे। मॉनिटर को मैं ऊपर रख देता हूँ। हाँ तो तुम्हें एक चीज़ बता दूँ मैं, ये भाई गेम थोड़ी डिफरेंट है बाकी गेम से, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कैफे ओनर सिमुलेटर था, इंटरनेट कैफे सिमुलेटर वैसा ही है ये, पर यहाँ पर तुम्हें पीसीबी बिल्ड करना पड़ेगा। यानी तो तुम समझ रहे हो ना कि हम पीसी खरीद के नहीं लाएंगे, जैसे गेमिंग पीसी उठा लिया वहाँ से, नहीं वैसा नहीं है भाई। अगर तुमने गेमिंग पीसी चलाना है तो पीसी गेमिंग वाला बिल्ड करना पड़ेगा भाई, खुद पैसे पुसे लगा के। तो यहाँ पर अभी सिर्फ ये रह गया है लगाना, इसे भी उठा लेते हैं भाई साहब, उठाओ और इसे लगाओ नीचे, और अब ठीक है। तो ये हो गया है सेटअप, और अभी मुझे यहाँ पर चेयर रखनी रह गई है, चेयर ये रही चेयर हमारी, तो चेयर भी आ गई, ठीक है। तो पीसी ऑन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था भाई पीसी भी ऑन करना पड़ेगा हमें, देखो तो यहीं पे था ना बटन, कहाँ होता है इसका, ऊपर होता है नीचे होता है, यहाँ ये रहा यार, रुको। तो ये हो गया टर्न ऑन पीसी, ठीक है। तो देख रहे हो तुम काफ़ी डिटेलिंग पर काम करा गया है, और ऊपर से यार इसकी ग्राफिक यानी कि भाई मस्त है बिल्कुल, यार क्या ही बोलूँ ग्राफिक के बारे में। तो तुम भाई फॉलो कर सकते हो इनके जो क्रिएटर है जिन्होंने इस गेम को बनाया है, भाई जाकर चेक करो, स्ट्रीम पर अवेलेबल है वैसे ये गेम, तुम जाकर खरीद सकते हो इसे, काफ़ी मजा आता है गेम को खेलने में इसे। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो क्या डिटेलिंग है भाई, हमारे आईफोन दे रखा है, वैसे रियल लाइफ में तो मैं एंड्रॉइड ही चला रहा हूँ OnePlus, बट फिर भी हमारे पास आईफोन है। तो रुको एक मिनट, और रुको दो बंदे और आ गए, एक बंदा पीसी पे गया है, और यहाँ से हम अपने जो ये जो हमारा क्लब है ना इसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसकी फ़ोटो ले लूँ क्या, एक मिनट रुको, इसकी क्वालिटी तो देख ले, क्वालिटी देखनी है हमने इस कैमरे की। तो ये भाई साहब यहाँ कंप्यूटर में लगे हैं, अब यहाँ से हम निकालते हैं अपना मोबाइल क्योंकि मेरे को इसकी फ़ोटो लेनी है। तो ये देखो, देख रहे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिटेलिंग पर काम करा गया है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है भाई ये चलाने में। तो चलो सही है, मैं इसे बंद कर दूँ, और ये देखो ये हमारी फ़ोटो, इसे डिलीट भी कर सकते हैं हम और गैलरी बना के रख भी सकते हैं। तो चलो ये हमारे पास $400 कुछ पड़ा, ये वीज़ा कार्ड है हमारा, और क्या हो सकता है हमारे पास में, ये क्या देख रहा है, बस ये चीज़ें कि दिख नहीं रहा क्या देख रहा है ये। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी दिख जाएगा। अभी मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ, वो ये कि क्या हम इस पीसी का रेट बढ़ा सकते हैं, मतलब कि इसका यार हम अपने हिसाब से रख सकते हैं रेट कि भाई कितना कौन सा बंदा पीसी पे, रुको एक मिनट पैसे देके गए, ठीक है। तो पैसे भाई आ गए हमारी जेब में, $60 मिले हैं मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई इसका रेट भी बढ़ा कर देखते हैं, तो शायद से हम रेट बढ़ा सकते हैं इसका पीसी का। तो यहाँ से हम ठीक है, तो कंप्यूटर नंबर 1, 8, 9, 10, ठीक है, तो 8 पे रख देते हैं हम, $60 हमें मिले थे, हमें 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो एक और बंदा आ चुका है, अब जब तक ये यहाँ पर चलाएगा भाई अपना कंप्यूटर पे भाई जो भी करना है इसने करेगा, मेल मूल अपना बंदी बुंदी से जिससे भी बात करना चाहे कर सकता है, ये हमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो सामने की तरफ देख रहे हो तुम एक कार खड़ी है भाई, ओल्ड वाली काफ़ी मस्त लग रही है, मैं बाद में देखूंगा इसे अभी नहीं। और आसपास मैं एक्सप्लोर कर लूँ क्योंकि इसका मैप भाई बहुत बड़ा है, यानी कि तुम बताओ भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर, तुम बताओ कमेंट मारकर। ये बॉक्स में क्या हो सकता है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है ये बॉक्स के अंदर क्या है, जल्दी बताओ। ये भाई ओल्ड स्टोर है, यहाँ पर काफ़ी कुछ पड़ा, और ये क्या, ये डिवाइन लग रहा था मुझे यार, पाजी डिवाइन आप यहाँ क्या कर रहे हो, सोफ़ा पड़ा है यहाँ पर,
एक वेंडिंग मशीन पड़ी है सेकंड हैंड, यहाँ पे एक और सोफा और गेमिंग टेबल्स, भाई क्या मस्त है। और रुको एक मिनट यार भाई, मैं यहाँ पर सुसु तो कर ही सकता हूँ, इतनी दूर आया हूँ तो यहाँ पर सुसु करके चल लेता हूँ। ठीक है, हमें आया भी है थोड़ा सा, तो यहाँ पर चलो ठीक है, धार मार दी, हम चलते हैं यहाँ से। और यहाँ रुको एक मिनट, यहाँ पे काफ़ी सारे भाई गेमिंग टेबल रखे हुए हैं, गेमिंग चेयर्स भी पड़ी हैं यहाँ पर। और ये घर में मैं जा सकता हूँ क्या? नहीं भाई, ये क्या है? ठीक है, तो भाई ये भी सोफ़ा ही है, और ये सारा का सारा जितना ये वॉलपेपर है भाई, हम दीवार पे लगा पाएंगे इसे। तो चलो यहाँ से निकलते हैं और दूसरी जगह चलते हैं, दूसरी शॉप पर एक्सप्लोर करने, क्योंकि ये जो मैप है बहुत बड़ा है। मुझे चाहिए था कि इधर हमें बाइक कार या ऐसा कुछ मिल जाता तो हम जल्दी भाग भूक के पहुँच जाते। ठीक है, तो चलो कोई ना, मैं जा रहा हूँ दूसरी शॉप पर। तो भाई मैं बहुत दूर से पैदल चल के आया हूँ और गैरेज में जाकर पहुँच गया हूँ, मतलब कि हमारे पास आगे जाके कार आ सकती है, तो इससे भाई हम बस सिर्फ बात कर सकते हैं अभी के लिए, और कुछ नहीं। और मैं बात नहीं करने वाला इससे, ठीक है। तो यहाँ आ गया हूँ मैं बैक साइड में, और यहाँ पर एक सौ पड़ी है, तो चलो देख लेते हैं ये लकड़े लकड़े काटता है क्या। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी हमें यहाँ कार नहीं देखने को मिली है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अर्ली एक्सेस में है ये गेम, तो बहुत कुछ आएगा इसमें, तुम खरीदो गेम को खेलो, काफ़ी मज़ा आएगा भाई तुम्हें भी। और इस सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं हम, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे इसके बग क्लियर होते रहेंगे और नए अपडेट आते रहेंगे, तो हम इस गेम की सीरीज़ को भी कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी और कुछ है नहीं भाई, यहाँ पर कीस्टोन क्या है? तो शायद से ये शॉपिंग मॉल है, गैसोलिन। ठीक है, तो यहाँ पर भाई हमारे कार तो है नहीं, क्या करूँगा मैं इसको यहाँ पर जाकर। यहाँ की तरफ रुको एक मिनट, सामने मुझे कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो हॉट डॉग की रेडी मिल गई भाई मुझे, पर ये हॉट डॉग में रेडी बेचने वाला बंदा क्यों नहीं है? तो शायद से भाई ये काफ़ी बड़ा मैप है, दूसरी दुकान पे चलते हैं। तो आ गया हूँ मैं भाई दूसरी दुकान की तरफ, पर यहाँ पर तो देख रहे हो तुम काफ़ी मस्त सी है। और एक मिनट, यहाँ पे मूर्ति भी रखी हुई है, और ये क्या कर रही है भाई? ठीक है, तो ये तुम कमेंट मारकर बताओ भाई, ये किसकी मूर्ति लग रही है तुम्हें? तुम बता सकते हो मुझे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बहन तो नहीं है कहीं? ठीक है, तो यहाँ से हम निकलते हैं कहीं और। अभी वैसे अंधेरा हो चुका है, काफ़ी दूर तक घूम के आया हूँ ना मैं इसी करके, और अभी मेरी शॉप काफ़ी दूर है, तुम मान लो यार बहुत दूर है अभी हमारी शॉप। और मुझे यहाँ पर कार भी चाहिए होगी या फिर बाइक, ऐसा कुछ मिल जाए। तो ये आ चुके हैं हम स्टोर में। ठीक है, तो यहाँ पर एटीएम है जो यूज़ कर सकते हैं हम। और ये भाई डिवाइन का भाई दोस्त, दूसरा डिवाइन छोटे वाला घूम रहा है यहाँ पर। और यहाँ से क्या लूँ मैं? ठीक है, तो ये ले लेता हूँ जूस, इसे भेज देते हैं, है ना। और यहाँ पे ठीक है, तो ये चीज़ ले लेते हैं हम। ठीक है, नूडल्स हो गए, ठीक है ये चीज़ सही रहेगी, और इन दोनों चीज़ों को बाय कर लेते हैं हम। तो ठीक है, हमने बाय कर लिया है और हमारे $3 कट गए। तो उठाओ अब, देखते हैं खा के क्या हम इसे खा सकते हैं या नहीं। तो चलो उठा लिया है मैंने, और इसे मैं खा सकता हूँ, और यही चीज़ें मैं शायद से अपने स्टोर में भी लगा सकता हूँ यार। तो पता है ना, वेंडिंग मशीन हमारे पास पड़ी है, तो शायद से हम उसमें लगा पाएं ये चीज़ें, तो ये चीज़ भी सही रहेगी कि अगर हम ये सब सामान यहाँ से खरीद के वहाँ पर लगाए तो हम ज़्यादा हाई प्राइस में बेचेंगे। ठीक है, तो सामने की तरफ तुम देख रहे हो चांद की डिटेलिंग, चांद भी काफ़ी मस्त लग रहा है। और यहाँ की तरफ भाई दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं हम देखने थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला भाई, घूम फिर के आ गया मैं। और अब आया हूँ अपनी कार को देखने, जो कि मैंने बोला था कि मैं बाद में देखूंगा। और ये कार सेकेंड हैंड लग रही है, नहीं सेकेंड हैंड नहीं भाई, पुराने ज़माने की है, और अंदर बैटरी पड़ी है उसके भाई, ये कार के अंदर बैटरी पड़ी है। और क्या कार में बैटरी है? नहीं, एक तरह से तो कार में ही बैटरी है, पर मैं बोल रहा था बोनट में बैटरी है या नहीं है। वैसे कार कितनी मस्त लग रही है, तुम बताओ यार कैसी लग रही कार। अभी मैं एक और शॉप भूल गया था जहाँ से मुझे कंप्यूटर का सामान लेना है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि पीसीबी बिल्ड करना पड़ेगा हमें, तो वही आ गया हूँ मैं यहाँ पर। तो ये है भाई हमारे दोस्त डिवाइन की शॉप, देखो डिवाइन जैसा ही लग रहा है ये। तो यहाँ पर देखो ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ डब्बे हैं। ठीक है, ये हमारी पावर सप्लाई पड़ी है। ठीक है, तो अलग अलग रेट है ये। और ये हमारे भाई माउस पड़े हैं यहाँ पर, यहाँ मोनिटर्स पड़े हैं, यहाँ स्क्रू ड्राइवर, रेंच और एक और चीज़। तो यहाँ पर देखो मॉनिटर पुराने वाले पड़े हैं, हमें ना देखो अपने हिसाब से पीसी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीडीआर पड़ी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी डीडीआर पड़ी है। और नीचे की तरफ ये क्या पड़ा भाई, तुम कमेंट मारकर बताओ ये। ठीक है, तो ऊपर डीडीआर है, नीचे क्या है वो कमेंट मारकर जो भी बताएगा उसे मिलेगा शाउट आउट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये है हमारी एसएसडी एसएसडी। ठीक है, तो यहाँ पर एसएसडी वो एसएसडी थी, ये हेडफोन पड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, ये झाड़ू पड़ा है तो हमारे पहले से ही है भाई। तो ये ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है भाई, देख रहे हो, यानी कि हमें ग्राफिक कार्ड सब कुछ लगाना पड़ेगा। और ऊपर की तरफ तो हमें देख रहे हो प्रोसेसर पड़ा है, मदरबोर्ड पड़ा है। ठीक है, तो ये भी अच्छा है। और यहाँ पर रखा है फ़ैन, जो कि हमें लगाना पड़ेगा हमारे
कंप्यूटर में अगर हम उसे बिल्ड करेंगे तो। पर अभी मेरा कोई इरादा है नहीं पीसी बिल्ड करने का, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। यहाँ पर एक लैपटॉप पड़ा जो हम खरीद नहीं सकते हैं, और मैं अभी जा रहा हूँ अपने शॉप पर, जाकर थोड़ा वो देख लूँ कि उधर पैसा कितना कमा लिया है मैंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पीसी हम नेक्स्ट एपिसोड में बिल्ड कर देंगे, अगर इस वाली वीडियो पे अच्छे व्यूज़, यानी कि यार तुम सबको पसंद आती है, व्यूज़ की बात नहीं, तुम सबको पसंद आनी चाहिए, ठीक है। कमेंट मारोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि भाई तुम्हें पसंद आ रही है। और ये भाई साहब पता नहीं क्यों यहाँ खड़े हुए हैं, एक और बंदा यहाँ से जा चुका है, और ये देख रहे हो कितना सारा गंद पड़ गया भाई, कितना गंद मचा दिया इन्होंने बंदों ने। एक मिनट पहले पैसे उठा लूँ मैं, तो $436 हो गए हमारे पास, कहाँ $407 थे हमारे पास, ठीक है। तो $36 हो चुके हैं, अभी मेरे को साफ सफाई करनी पड़ेगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भाई। ये लो, चल भाई ये ले ये ले ये ले। अभी तो ये है कि भाई देखो थोड़ा पुराना सा, यानी कि नहीं भाई थोड़ा सा यार गंदा सा पहले से लगा हुआ, यानी सीमेंट का सर फर्श है ना, तो इसी करके मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। जब ये फ्लोर पे टाइलेट उले मैं वॉलपेपर लगा दूंगा ना, तो मुझे भाई अलग ही बहुत दिक्कत होने वाली होगी, क्योंकि बंदे ना पता नहीं कहाँ से रेंग के आ रहे हैं, सारे के सारे धूल मिट्टी यहीं पर इकट्ठा करके ला रहे हैं। तो चलो ये रही साफ सफाई, कर लो भाई जल्दी जल्दी साफ सफाई कर लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये पता नहीं क्यों हिल ही नहीं रहा ये बंदा यहाँ से, हिल जा भाई, हिल डुल लेना थोड़ा सा, हिलेंगे नहीं है, यहीं पे खड़े रहेंगे ये। चलो कोई बात नहीं, मैं इसके पे जूतों पे भी साफ सफाई कर दूंगा, क्या दिक्कत चल रही है, जूते ख़राब कर देंगे हम इसके। तो ठीक है, मेन वाला जो होता है वो साफ सूफ हो गया। अभी कोनों पे भी भैया धूल देख रहे हो तुम, कितनी सारी धूल जमी हुई है भाई ये। हाँ भाई अच्छा ठीक है, तो जो ये शॉप का डोर है वो मुझे क्लोज वाला लेना पड़ेगा तो ज़्यादा सही रहे, क्योंकि यहाँ पर धूल मिट्टी काफ़ी उड़ती है। तो यहाँ से उठा लेते हैं भाई कोनों में से धूल मिट्टी, और फटाफट सारी की सारी धूल मिट्टियाँ भर दो भाई, हमें नहीं चाहिए भाई वैसे भी, ठीक है। तो ये उठा लो, साफ सूफ रहेगा तो अच्छा रहेगा। और जब हम वॉलपेपर ले आएंगे तो भाई उसके लिए भी तो हमें रखना पड़ेगा साफ सफाई, क्योंकि ये चीज़ छुपानी है मेरे को। जल्दी से जल्दी यहाँ पर से साफ सफाई कर लेते हैं। और एक और हरे टी शर्ट वाला बंदा डिवाइन, और सारे के सारे तो मैं बताऊँ तो डिवाइन जैसा फेस ही लग रहा है सबका, मुझे ज़्यादा इतना नहीं देखने को मिल रहा है, पर सबके सब एक ही जैसे फेस के ही है, बस कपड़े अलग अलग पहन के आ रहे हैं। तो चलो ये साफ, ये रह गया थोड़ा सा, यहाँ से कोने तक साफ ही हो जाएगा। अब बस बहुत हो चुका है, साफ सफाई हो गई है, ठीक है। तो फाइनली साफ सफाई हो गई है। तुम बताओ ये वाली वीडियो कैसी लगी, मतलब कि ये वाली गेम कैसी लग रही है तुम्हें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर भी करो, सपोर्ट करोगे तो हम इसकी और भी सीरीज लाएंगे, और तो और इसके गेम के जो डेवलपर है उन्हें भी सपोर्ट करो भाई, ठीक है, जाकर तुम सपोर्ट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए।